हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी की यूनिट वन के चैप्टर थ्री टिप्पण का सामान्य परिचय को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे देखिए दोस्तों हिंदी औपचारिक लेखन का आपका एक चैप्टर है टिप्पण का सामान्य परिचय आज के आज के इस वीडियो में दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है इसे पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और यहाँ पे एक बात ध्यान देना अगर आप दोस्तों टिप्पण का सामान्य परिचय ये जो आपका चैप्टर है अगर आप इसे सही से समझना चाहते हैं तो यही कहूँगा कि सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझने हैं कहने का मतलब यह है दोस्तों अगर आप सभी टॉपिक्स को समझ लेंगे ना इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी मतलब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जब आप सभी टॉपिक्स को पढ़ लेंगे मतलब पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो पाएंगी तो यही कहूँगा दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं सारी बातें दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी बस आप ध्यान से यहाँ पे सभी बातों को सुने और यहाँ पे सारी बातें ध्यान से देखें देखिए दोस्तों टिप्पण का अर्थ एवं स्वरूप अब ये क्या है तो इसको मैं आपको समझाता हूँ टिप्पण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कागजात के निपटान के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा सुझाव और निर्देश दिए जाते हैं जब कोई पत्र किसी दफ्तर में आता है तो उसके निपटान के लिए एक कार्यवाही शुरू होती है जिसे टिप्पण कार्य कहते हैं कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो टिप्पण है दोस्तों वो एक प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है तो मान लीजिए कि कोई कागजात है कोई कागजात मतलब यहाँ पर है मान लीजिए कोई मुद्दा है तो उसका निपटान किया जाता है उस मुद्दे को लेकर जो भी अधिकारी हैं संबंधित अधिकारी वो उस पर सुझाव देते हैं और निर्देश देते हैं यहाँ पे ये टॉपिक आपको अभी अच्छे से क्लियर होगा बस आप यहाँ पे ध्यान से सारी बातों को सुने इस कार्यवाही के दौरान दिए गए सुझाव और निर्देश को टिप्पणी कहते हैं इस प्रकार टिप्पणी एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका परिणाम है अभी यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया है लेकिन आपने अभी इतना समझ लिया कि जो टिप्पण है टिप्पण क्या है टिप्पणी एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है और जो टिप्पणी है वो क्या है वो उसका प्रतिफल है रिजल्ट कह सकते हो आप उसे अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा यहाँ पे एक उदाहरण है दोस्तों तो उदाहरण से आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी दोस्तों कई सारे एग्जांपल्स हैं सभी एग्जांपल्स के द्वारा आपको टॉपिक समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे एक एग्जांपल एक एक है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक पत्र आता है एक लेटर आता है जिसमें एक छात्र ने अपनी किताबों की अद्यतन यानी कि अपडेटेड अपडेटेड सूची मांगी है इस पत्र का निपटान करने के लिए प्रिंसिपल से लाइब्रेरियन को भेजते हैं और जो लाइब्रेरियन है दोस्तों वो पत्र को पढ़ने के बाद एक टिप्पणी लिखते हैं जिसमें वे छात्र के अनुरोध को समझाते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपना सुझाव देते हैं यह है टिप्पणी फिर प्रिंसिपल के पास वापस जाती है जो इसे देखते हैं और अगर उन्हें लाइब्रेरियन के सुझाव से सहमति होती है तो वे उसे अनुमोदित करते हैं यह है पूरी प्रक्रिया टिप्पणी कार्य कहलाती है और लाइब्रेरियन द्वारा लिखी गई सुझाव वाली नोट टिप्पणी कहलाती है देखिए दोस्तों आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को समझिए आपको कई सारी बातें समझ में आएंगी अब यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमें ये क्या ये याद करना है तो दोस्तों आपको बस समझना है ये ठीक है इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है ये इसको आपको याद नहीं करना है बस आप समझ लीजिए आपको टॉपिक समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल रखा है इस एग्ज़ाम्पल में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक स्कूल है तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है दोस्तों उसके पास एक पत्र आता है कि स्टूडेंट का एक पत्र आता है जिसमें स्टूडेंट ने मांग की है कि उसे किताबों की एक अद्यतन एक अपडेटेड सूची मिले मतलब कहने का कहने का यह है कि छात्र ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने एक मांग की कि जो किताबें हैं तो उसकी एक अपडेटेड सूची उसे चाहिए अब जो छात्र है तो उसका जो पत्र है दोस्तों वो प्रिंसिपल के पास गया अब प्रिंसिपल को पता है कि प्रिंसिपल को तो इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से किस क्लास में कौन कौन सी किताबें मतलब यूज़ हो रही हैं तो प्रिंसिपल ने आगे फिर उसको लाइब्रेरियन के पास भेजा उस पत्र को फिर लाइब्रेरियन के पास भेजा कि वो जवाब दें यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों देखिए छात्र छात्र ने एक पत्र लिखा है ठीक है अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि ये जो पत्र है अब वो प्रिंसिपल के पास चला गया अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो इसे इग्नोर कर देगा मतलब कहने का ये होता है दोस्तों कि अगर कहाँ कहीं से कोई प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसका एक एंड भी होगा मतलब इस पत्र का एक निपटान भी किया जाएगा मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो किया जाएगा तो छात्र ने पत्र लिखा और पत्र फिर प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल ने इसे आगे निपटान करने के लिए जो भी मतलब चीज़ें हैं जो भी जानकारी है वो इसमें ऐड कराने के लिए और फिर इसको फिर उस प्रिंसिपल ने लाइब्रेरियन के पास भेजा अब लाइब्रेरियन ने क्या किया दोस्तों अब लाइब्रेरियन ने क्या किया कि लाइब्रेरियन ने पत्र को अच्छे से पढ़ा फिर उस पर अपनी मतलब एक अपना सुझाव लिख दिया पत्र पर ठीक है और फिर उस पत्र को वापस से प्रिंसिपल के पास भेज दिया और फिर अगर प्रिंसिपल सहमत होते हैं उसकी बात से तो फिर प्रिंसिपल उस बात को फिर आगे अनुमोदित कर देते हैं मतलब एक तरह से रिप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट का कुछ ऐसा समझ लो आप मतलब यहाँ पे जो पत्र आया था प्रिंसिपल के पास उसका एक निपटान हो जाता है तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी पूरी की पूरी वो, वही है टिप्पण कार्य वह उसे ही हम टिप्पण कहते हैं कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए पे क्या था एक छात्र था ठीक है छात्र था मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक प्रक्रिया शुरू हो गई छात्र ने एक पत्र लिखा फिर पत्र को प्रिंसिपल के पास भेजा गया और प्रिंसिपल ने क्या किया कि प्रिंसिपल ने उस पत्र को फिर आगे लाइब्रेरियन के पास भेजा कि आप इसका जवाब दीजिए क्या क्या बातें है, कैसी हैं तो लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन ने उसको मतलब पढ़ा फिर उस पर अपने सुझाव दिया और फिर उसको प्रिंसिपल के पास पत्र को भेज दिया तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पत्र था दोस्तों एक लेटर था एक एप्लीकेशन था जो मतलब कई चर मतलब कई जगह घूमा ठीक है उस पर अपनी अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ दी गई तो यहाँ पे जो प्रोसेस था दोस्तों इसे ही टिप्पण कहा जाता है ठीक है ये जो प्रोसेस था दोस्तों ये टिप्पण था टिप्पण में क्या होता है टिप्पण में यही होता है कि एक प्रक्रिया हमें दिखाई देती है कि एक छोटा अधिकारी है फिर छोटे से बड़े अधिकारी के पास फिर वो लेटर गया फिर बड़े अधिकारी ने कुछ बातें लिख दी उस लेटर के मतलब उस लेटर के संबंध में कुछ बातें लिख दी फिर आगे वो अधिकारी के पास गया तो यही है टिप्पण आई होप यहाँ पे टिप्पण समझ में आया हो आया होगा आपको अगर नहीं भी आया तो अब आगे समझ में आपको और आसानी से आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब हेड नहीं लेना है एक टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है बस आप हल्का सा ये समझ लो दोस्तों कि टिप्पण एक प्रक्रिया है तो जो भी प्रोसेस हो रहा है मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है जैसे एक अधिकारी के पास कोई लेटर गया फिर वो लेटर दोबारा मतलब बड़े अधिकारी के पास गया फिर आगे लेटर चला गया तो ये जो प्रक्रिया दिखाई देती है इसे हम टिप्पण कहते हैं अब अलग अलग अधिकारी के जो अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं वो कई बार क्या करते हैं अपना सुझाव लिख देते हैं मतलब जो भी मतलब मुद्दा है उसके संबंध में अपना सुझाव लिख देते हैं तो उसे हम टिप्पणी कहते हैं ये आपको अभी समझ में आएगा देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये एक टॉपिक है इसके द्वारा आपको टिप्पणी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है टिप्पण कार्य की क्रियाविधि अब यहाँ पे यह क्या है आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब हम किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी लिखते हैं तो वह टिप्पणी कई लोगों के पास जाती है और हर कोई उस पर अपने विचार रखता है यह है एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें टिप्पणी पहले निचले स्तर के लोगों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ऊपरी स्तर तक पहुंचती है अब यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों कहने का मतलब पहली बात तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे टिप्पणी और टिप्पण एक होता है क्या तो देखिए एक नहीं होता है थोड़ा सा बस अंतर है वो अंतर क्या है आपको पूरा अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी बस अब जितना बातें आपको समझ में आ रही हैं अब यहाँ पे ध्यान से समझें ठीक है ये वाला टॉपिक मुझे बाद में पढ़ाना था लेकिन मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें पहले टॉपिक क्लियर हो ना टिप्पण अगर आपको क्लियर नहीं तो आगे कैसे मतलब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो यहाँ पर देखिए क्या होता है इसमें एक बात बस आप यहाँ पर ध्यान रखिए यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है क्रमिक मतलब होता है जैसे वन टू थ्री एक क्रम के अनुसार चलता है ठीक है एक क्रमिक प्रक्रिया होती है टिप्पण ठीक है इसमें क्या होता है दोस्तों निचले स्तर से शुरू होता है ये और फिर ये धीरे धीरे ऊपरी स्तर तक पहुंचता है अब यहाँ पे बात उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आएगी देखिए उदाहरण के लिए टिप्पणी पहले एक सहायक से शुरू होती है फिर वह अनुभाग अधिकारी के पास जाती है फिर शाखा अधिकारी के पास फिर प्रभागीय अधिकारी के पास और फिर सचिव के पास और अंत में मंत्री के पास अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उदाहरण को समझिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्स जेड कोई भी मुद्दा मान लीजिए माँ हम मान लेते हैं मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ हेल्थ से संबंधित मान लीजिए कोई मुद्दा है जो पहले सहायक के पास आया सहायक का मतलब है एक निचले स्तर का जो अधिकारी है उसके पास को मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा आया मान लेते हैं एक मान लेते हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन के थ्रू इसके पास एक मुद्दा आया संबंधित सहायक जो भी मतलब सहायक अधिकारी होगा उसके पास एक एप्लीकेशन के द्वारा स्वास्थ्य का एक मुद्दा उसके पास आया अब उसने क्या किया उस जो भी मतलब संबंधित लेटर था जो भी एप्लीकेशन थी स्वास्थ्य से संबंधित ठीक है उसने उस पर कुछ बातें एक अलग पेज पर उसी के साथ मतलब अटैच कर कर उसने कुछ बातें लिख दी ठीक है और फिर इसको फिर आगे अधिकारी के पास भेज दिया उसको लगा कि हाँ इसे आगे भी भेज भेजना चाहिए तो इस सहायक वाले व्यक्ति ने फिर आगे जो अनुभाग यानी कि डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा उसको फिर उसने मतलब जो अनुभाग अधिकारी होगा संबंधित संबंध मतलब उसी से संबंधित कोई अधिकारी होगा तो उसने फिर उस जो लेटर वगैरह था उसको फिर आगे भेजा फिर जो अनुभाग अधिकारी है फिर मान लीजिए उसको भी लगता है कि आगे इसे भेजा भेजा जाना चाहिए तो वो कुछ बातें लिख देता है लेटर के मतलब जो एक पेज एक मतलब एक दो पेज अटैच कर दिए जाते हैं जितनी आवश्यकता होती है तो जो भी मतलब बातें थी संबंधित जो भी जो बातें उसे लिखनी चाहिए थी वो कुछ बातें लिख देता है और फिर उसको आगे के अधिकारी के पास भेज देता है फिर इसी तरह शाखा जो अधिकारी है जो मतलब शाखा अधिकारी था फिर वो इसको प्रभागीय अधिकारी के पास भेज देगा और ये जो प्रभागीय अधिकारी होगा दोस्तों वो इसे सचिव के पास भेज भेज देगा मतलब जो प्रभाग मतलब होता है एक डिपार्टमेंट पूरा का पूरा तो जो डिपार्टमेंट होगा उसका जो अधिकारी होगा एक बड़े डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा वो उसको मान लीजिए फिर सचिव के पास भेज देगा और सचिव क्या करेगा फिर सचिव फिर अंत में इसे मंत्री के पास ले जाएगा अब यहाँ पे बात को समझिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक लेटर है जो कि पहले सहायक के पास आया फिर सहायक से अनुभाग अधिकारी के पास गया फिर शाखा अधिकारी के पास गया फिर प्रभागीय अधिकारी के पास गया फिर सचिव के पास गया और फिर अंत में ये मंत्री के पास पहुंचा ठीक है तो ये जो प्रक्रिया थी पहले सहायक के पास फिर अनुभाग अधिकारी के पास फिर शाखा अधिकारी के पास फिर अन्य अधिकारी के पास फिर सचिव वगैरह के पास फिर मंत्री के पास तो ये जो मतलब प्रोसेस था दोस्तों इसे ही हम कहते हैं टिप्पण ठीक है ये क्या है यही यही है दोस्तों टिप्पण जो प्रोसेस है यही टिप्पण है ठीक है प्रोसेस ठीक है इसके अलावा मान अलग अलग अधिकारियों के पास ये जो लेटर था वो गया लेकिन सभी अधिकारियों ने कुछ कुछ बातें लिख दी संबंधित जो भी उन्हें बातें लिखनी चाहिए थी वो उन्होंने लिख दिया तो इसको टिप्पणी कहते हैं अगर आपको डाउट लग रहा है टिप्पणी और टिप्पणी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मतलब ज़्यादा टिप्पणी पर ज़्यादा ध्यान ही मत दो आप ठीक है कोई इशू है नहीं आपको मेन मेनली समझना है कि टिप्पण क्या होता है तो टिप्पण का मतलब यही था दोस्तों कि इसमें एक निचले स्तर से कोई भी कोई भी मुद्दा हो सकता है वो चाहे कोई लेटर हो कोई दस्तावेज हो एक निचले स्तर से आगे के अलग अलग अधिकारियों के पास जाता है उच्च अधिकारियों के पास फिर वो जाता है और इस दौ इस टिप्पण कार्य में होता क्या है ये जो टिप्पण की प्रक्रिया है दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें यही होता है कि हर एक अधिकारी जो भी बातें उसे लिखनी होती है वो उसमें लिखने का प्रयास करता है इसे दो, दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल अगर हम ले लें डॉक्टर का एग्जाम्पल लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे कि दो, दोस्तों अगर हम टिप्पण कार्य को समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं मान लीजिए दोस्तों कि आप कोई चेकअप कर, करवाने गए आपका मतलब कोई इलाज चल रहा है किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए कोई इलाज चल रहा है तो मान लीजिए अगर वो दो तीन डॉक्टर के पास उसे जाना पड़ता है तो ऐसे में क्या होगा उसकी मान लीजिए कोई एक ये मतलब उसकी एक ये पर्ची है ठीक है ठीक है उस पर जिस मतलब इस पर उसका नाम वगैरह लिखा है सब कुछ डिटेल लिखी है अब इस ये पर्ची मान लीजिए पहले एक नॉर्मली जो डॉक्टर है एक मान लीजिए एक छोटा डॉक्टर है नॉर्मली तो उसके पास ये पर्ची गई अब वो वो, वो कुछ बातें इस पर लिख देगा इस पर्ची पर वो कुछ बातें लिख देगा अब इसे फिर आपको मान लो फिर वो आगे भेज देगा कि आप इस बड़े डॉक्टर के पास जाइए ये ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं तो ये आपको अच्छे से देख पाएंगे फिर आप मान लीजिए फिर बड़े डॉक्टर के पास गए तो उसने फिर यहाँ पर इसी पर्ची पर उसने कुछ और भी बातें इसमें लिख दी मतलब क्या हो रहा है कि आप पहले यहाँ पर थे और फिर फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए ठीक है मान लीजिए फिर वो भी आपको मान लीजिए आगे किसी दूसरे के किसी तीसरे डॉक्टर के पास मान लीजिए वो भेज देता है तो वो भी जो तीसरा वाला डॉक्टर भी होगा वो भी कुछ ना कुछ बातें तो लिखेगा ही लिखेगा पर्ची पर हो सकता है वो लिख दे कि आपको ये ये एक्स वाई जेड ये ये टेस्ट करवाने चाहिए मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम अगर एक डॉक्टर डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप तीन डॉक्टर के पास गए तो एक डॉक्टर ने कुछ बातें लिखी आपकी पर्ची पर फिर दूसरे डॉक्टर ने कुछ बातें लिख दी और तीसरे डॉक्टर ने भी कुछ बातें लिख दी तो इसी तरह टिप्पण कार्य में भी होता है एक छोटा अधिकारी होता है फिर उससे बड़े अधिकारी फिर उससे बड़े अधिकारी तो जो भी मुद्दा होगा उस मतलब जो भी मुद्दा वगैरह होगा जो भी इशू है जो भी संबंधित जो भी बात है तो उसी से संबंधित वो बातें लिखते हैं और आगे फिर लेटर को भेज देते हैं अब लास्ट में मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ अब आपको ये ये जो टिप्पण वर्ड है ये आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद हम आगे बातें करेंगे और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अब देखिए टिप्पण को और अच्छे से आपको समझना है इसमें आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी पत्र आया कोई भी लेटर आया कोई भी इशू है तो उसका निपटान किया जाता है निपटान का मतलब होता है कि उसे पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए आप बैंक गए दोस्तों और आपने मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ कुछ फ्रॉड हुआ या कुछ गलत चीज़ें हुई और आपने फिर कंप्लेंट कर दी तो आपने दोस्तों जो कंप्लेंट की होगी उसका एक सॉल्यूशन तो निकलेगा ना ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा चाहे समय ज़्यादा लग जाए लेकिन फिर भी उसका एक सॉल्यूशन तो निकला निकालने निक, निकालने का प्रयास किया जाएगा मतलब अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका एक अंत होगा ठीक है तो टिप्पण में भी यही होता है कि जो भी मुद्दा सामने आया है उसका एक अंत किया जाता है ठीक है मान लीजिए राइट टू इन्फॉर्मेशन मान लीजिए दोस्तों कि कोई एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है ठीक है मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने परिवहन मंत्रालय से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए वो चाह रहा है कि मतलब कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो चाहता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको दी जाए तो ऐसे में जो भी मतलब ये लेटर है जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी फिर ये संबंधित आगे के अधिकारियों के पास जाएगी फिर आगे के अधिकारी इस पर कार्यवाही करेंगे कार्यवाही का मतलब है जो भी मतलब जवाब देना है जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है बदले में तो वो देने का प्रयास करेंगे चाहे इन्फॉर्मेशन दें चाहे ना दें लेकिन हर चीज़ मतलब यहाँ पे साफ बताई जाएगी मान लीजिए परिवहन मंत्रालय इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो वो ये भी बताएंगे कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक निपटान होगा और जो भी मतलब लेटर आया है उसको मतलब हल भी किया जाएगा उसका जवाब भी दिया जाएगा तो एक मतलब जो प्रक्रिया है वो पूरी करने का प्रयास होता है तो यही है टिप्पण कार्य आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाकी आप वीडियो को पूरा देखिए टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है बाकी टिप्पणी क्या होती है तो जब अधिकारी अपना सुझाव दे देते हैं कुछ बातें लिख देते हैं तो उसको हम टिप्पणी कह देते हैं प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं तो वापस से आ रहे हैं दोस्तों टॉपिक पर तो अभी हमने काफ़ी बातें समझ ली आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी बाकी बहुत आसान है हार्ड नहीं है बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है बस आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो हमने ये बातें कर ली थी टिप्पण का क्या अर्थ है सुझाव क्या है मतलब स्वरूप क्या है इसका हमने ये सारी बातें यहाँ पर अभी समझी उदाहरण भी हमने समझ लिया उदाहरण याद मत कर रही है आप बस समझ लो उदाहरण यही आपके लिए इनफ है अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं टिप्पण क्यों लिखे जाते हैं ठीक है इसकी बात अब अब हम कर रहे हैं टिप्पण इसलिए लिखी जाती है दोस्तों क्योंकि वे किसी विषय को विस्तार से समझाने में मदद करती है वे एक विचार निर्णय या कार्य के पीछे के तथ्यों और कारणों को स्पष्ट करती है सिंपल से बात है दोस्तों देखिए विषय को विस्तार से समझाने में मदद करती है अब मान लीजिए को, कोई सचिव है अब सचिव के पास डायरेक्टली कोई मुद्दा आ जाता है नीचे का जो मतलब कोई मुद्दा मान लीजिए कोई लेटर है जो कि डायरेक्ट सचिव के पास पहुंच जाता है तो हो सकता है कि सचिव को प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो कि जो मुद्दा है उससे संबंधित जो जानकारी है वो सचिव के पास ना हो तो अगर एक लेटर दोस्तों एक मतलब निचले के निचले अधिकारियों के द्वारा जब आता है तो हो सकता है कि जो निचले अधिक निचले क्रम के जो अधिकारी होंगे वो कई सारी बातें टिप्पण के टिप्पणी के रूप में लिख देते हैं तो आगे समझने में आसानी होती है तो समझना समझाने विस्तार से समझाने में विषय को तो ये मदद करता है टिप्पण कार्य इसके अलावा दोस्तों भविष्य में समान परिस्थितियों के निपटान निपटान के लिए एक आधार प्रदान करती हैं इस प्रकार टिप्पण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कार्यालयी कामकाज में मतलब यही दोस्तों कि टिप्पण जो है दोस्तों वो कार्यालय कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी इससे मतलब जो काम होता है दोस्तों उसमें एक स्पष्टता आती है विषय को अच्छे से समझ पाते हैं जो सभी अधिकारी होते हैं तो जो कार्यालय जो कामकाज है दोस्तों उसको समझने में आसानी होती है ये इसका एक मतलब इसलिए टिप्पण लिखे जाते हैं ये सामान्य बातें हैं यहाँ पर ये तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है आपको समझ में आया होगा आपने बस टिप्पण समझ लिया ना तो आ, आगे की सारी चीज़ें आपके लिए आसानी है कोई इशू नहीं है अब देखिए टिप्पण लेखन के सिद्धांत अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों टिप्पण लेखन के सिद्धांत तो इसमें आपको यहाँ पर विशेषताएँ आपको पढ़नी है तो टिप्पण लेखन की जो विशेषताएँ हैं दोस्तों उन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है एक है बहिरंग विशेषताएं और एक है अंतरंग विशेषताएं। लेखन की बहिरंग कि जो टिप्पण लिखा जाता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ठीक है ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए सारी बातें बहिरंग विशेषताएं हैं एक एक करके यहाँ पे सारी बातें कर लेंगे हम देखिए मूल पत्र पर टिप्पण का कि टिप्पण की कार्य ना करना अब देखिए दोस्तों टिप्पण का, का कार्य ना करना कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो मेन लेटर है उसके ऊपर टिप्पण नहीं लिखा जाता जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था तो डॉक्टर क्या करते हैं जो मेन पर्ची होती है उसी के ऊपर लिख देते हैं नीचे क्योंकि स्पेस होता है काफ़ी कुछ स्पेस होता है तो उसी के नीचे वो लिखते हैं ठीक है कि ये आपको टेस्ट कराना है ये या फिर ये बातें हैं वो लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है टिप्पण कार्य क्या है यहाँ पर दोस्तों जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो तो आपको समझाने के लिए दिया था अब यहाँ पे बात को समझिए इसमें मूल पत्र का मूल पत्र पर टिप्पणी की कार्य नहीं होता मतलब यह है कि जो मेन लेटर होता है दोस्तों जो मेन पत्र है जो भी मतलब मेन जो मतलब एप्लीकेशन है उस पर कुछ नहीं लिखा जाएगा अलग से एक पेज ऐड कर दिया जाएगा हालांकि हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं तो उनको फाइल में अलग से लगाया जाता है तो ऐसा होता है बाकी यहाँ पे आपको समझ में आया कि मूल पत्र पर टिप्पण कार्य नहीं होता ये चीज़ आपने एक समझ लिया एक पॉइंट ठीक है कोई इशू नहीं है पत्राचार का विवरण एवं संकेत करना इसका मतलब है कि जब हम टिप्पण लिखते हैं तो हमें पहले पत्र की जानकारी देनी चाहिए जैसे कि पत्र की क्रम संख्या दिनांक पृष्ठ संख्या कहने का मतलब दोस्तों यह है मान लीजिए कोई सहायक व्यक्ति सहायक मतलब कोई निचला अधिकारी है कोई निचले क्रम का कोई अधिकारी है मान लीजिए दोस्तों ठीक है कोई छोटा अधिकारी है तो उसे अगर मतलब कुछ विवरण विवरण देना है मतलब उसे अगर मान लीजिए टिप्पण लिखना है टिप्पण कार्य वो कर रहा है कुछ अपना सुझाव दे रहा है तो पहले क्या करना चाहिए तो पहले क्रम संख्या देनी चाहिए कि पत्र जो एप्लीकेशन है उसकी सं क्रम संख्या क्या है दिनांक क्या है ठीक है पृष्ठ संख्या क्या है तो ये सारी बातें लिखनी चाहिए कोई इशू नहीं है समझ में आया होगा तक। यहाँ तक बाकी यहाँ पर बहुत ईजी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी प्रारंभ में वाद विषय का उल्लेख करना इसका मतलब है कि जब हम टिप्पण लिखना शुरू करते हैं तो हमें पहले ही विषय के बारे में बताना चाहिए मान लीजिए मान लीजिए टिप्पण कार्य अब शुरू हो गया है जो सहायक व्यक्ति है दोस्तों जो सहायक व्यक्ति है अब वो कुछ अपना सुझाव दे रहा है या कुछ बातें लिख रहा है तो पहले सबसे पहले क्या होगा जो विषय है दोस्तों इसके बारे में उसे समझाना चाहिए अगर वो कुछ लिख रहा है तो उसे ये भी लिख देना चाहिए कि ये विषय ये है मतलब ये ये मुद्दा है और ये ऐसे ऐसे हो सकता है ये सारी बातें उसे लिखनी चाहिए अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना अब देखिए कई सारे पैराग्राफ भी लिख दिए जाते हैं अब कई सारी बातें लिखी जा रही हैं तो कई सारे पैराग्राफ्स में लिखी जाती हैं तो उनको एक नंबर दे देना चाहिए कि एक नंबर पैराग्राफ नंबर पैराग्राफ नंबर दो ठीक है ऐसे एक क्रम नंबर भी दे देना चाहिए इसे समझने में पढ़ने में आसानी होती है आगे के अधिकारियों को ठीक है विषय का उपवि विभाजन करना मतलब दोस्तों कहने का ये है दोस्तों जै, जैसे कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जैसे कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं हिस्ट्री को हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम हम पढ़ते हैं कि पहले एंशेंट हिस्ट्री हो गई ठीक है जो मतलब जो एक प्राचीन जो भारत है उसकी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं ठीक है फिर मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं मतलब प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत के इतिहास को हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं ना बांटकर पढ़ते हैं ना मतलब विभाजन करके पढ़ते हैं पहले हमने प्राचीन पढ़ा फिर हमने मध्यम पढ़ा फिर हम मतलब जब हम हायर स्टडी करते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं तो यहाँ पे उपवि विभाजन का मतलब यही है कि मान लीजिए कि, कि किसी विषय पर हम कुछ लिख रहे हैं सुझाव कुछ दे रहे हैं कुछ भी बातें हो सकती हैं चाहे वो सुझाव हों कुछ भी हो अगर हम टिप्पण में टिप्पण कार्य के दौरान हम ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं तो विषय का उपविभाजन करना चाहिए मान लीजिए मान लीजिए दोस्तों जो दोस्तों जो विषय है वो थोड़ा बड़ा है थोड़ा व्यापक है तो उसे हमें आ, उसका विभाजन भी कर लेना चाहिए ठीक है मतलब उसको मतलब उपविभाजन उसके कर लेने चाहिए इसके अलावा प्रथम पुरुष का प्रयोग ना करना यह मतलब है कि जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो हमें मैं या मैंने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ठीक है मतलब जब हम टिप्पण कार्य के दौरान टिप्पणी लिखते हैं कुछ भी सुझाव दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो मैं मैंने प्रथम पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें ये होता है इसके अलावा पूरे हवाले देना यह मतलब है कि जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो हमें सभी जरूरी जानकारी और तिथियाँ लिखनी चाहिए वैसे अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ए डी एस एल की रीडिंग में कई सारे मतलब एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि कैसे एक टिप्पण लिखा जाता है तो अभी अभी मैं आपको बताऊंगा भी तो बस आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इसके अलावा निर्देशों का क्रम पत्रावली के अनुरूप तथा तो निर्देश टिप्पणी के मार्जिन में रखना मतलब यह है कि हमें अपनी टिप्पणी में दिए गए निर्देशों का क्रम सही रखना चाहिए मतलब जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं ठीक है जो भी बातें आगे के लिए बताई जा रही हैं तो उसका एक क्रम होना चाहिए जो कि सही हो ठीक है ऐसा ना हो कि जो बात हमें बाद में कहनी चाहिए वो हम पहले लिख दे रहे हैं और जो पहले बात होनी चाहिए कहनी चाहिए बतानी चाहिए वो हम लास्ट में बता रहे हैं ऐसा ना हो इसके अलावा दोस्तों अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने कोई तर्क देने अथवा निष्कर्ष निकालने के लिए लिए उदाहरण देना इसके अलावा दोस्तों उदाहरण भी दिया जा सकता है ठीक है ताकि सही से समझाया जा सके बात को इसके अलावा टिप्पणी से संबंधित सामग्री का मिसिल में होना फाइल एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए हमें अपनी टिप्पणी से संबंधित सभी जानकारी और पत्र एक ही जगह रखना चाहिए एक फाइल हो जाने होनी चाहिए ताकि जो जो भी बातें हैं जो सामग्री है वो टिप्पणी से संबंधित टिप्पणी कार्य के दौरान जो भी मतलब सामग्री है वो बिखरे ना एक फ़ाइल में हो जाए मिसिल मतलब फाइल संयम भाषा का प्रयोग मतलब हमें टिप्पणी लिखते समय शांत शांत साफ़ और विनर भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें कठोर या व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए मतलब यह है कि हमें बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों दोस्तों ताकि सामने वाला बात को समझ सकें और शांत और साफ भाषा का प्रयोग करना चाहिए अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं अंतरंग विशेषताएं है की ये सारी की सारी विशेषताएं टिप्पण लेखन की ही हैं ठीक है इन्हें इन्हें हमने बहिरंग और अंतरंग में बांट रखा है अब देखिए इसमें एक और विशेषता यह है दोस्तों इसकी कि अंतरंग विशेषता में एक विशेषता यह है कि वाद विषय को भली भांति समझना मतलब दोस्तों जो मुद्दा है ठीक है जो मुद्दा है जो विषय है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ठीक है ये है टिप्पण लिखने से पहले टिप्पण जो भी कार्य शुरू हो रहा है तो वो लिखने से पहले विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ये चीज़ है विभिन्न विकल्प सुझाना और उनकी शक्ति एवं सीमाओं का उल्लेख करना अब जो भी मुद्दा है जो भी विषय है उस, उससे संबंधित अलग अलग कई सारे विकल्प हो सकते हैं तो सभी विकल्पों को सुझाना मतलब सभी विकल्पों को बताने का प्रयास करना और उन विकल्पों की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं क्या सीमाएँ हैं क्या लिमिटेशन हैं इसका भी जिक्र करना इसके अलावा विचारों को तार्किक क्रम में रखना तार्किक क्रम में मतलब ये है दोस्तों कि जो बात हमें पहले बतानी चाहिए वो हम पहले ही बताएं एक क्रम अनुसार बताएं ऐसा ना हो कि जो बात हमें पहले बतानी चाहिए उसका उल्लेख हम मतलब लास्ट में कर रहे हैं तो ऐसा ना हो तो ये बात है यहाँ पर पुनरुक्ति से बचना इसका मतलब है कि हमें अपनी टिप्पणी में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए इसके अलावा संक्षिप्तता मतलब एक समरी रखना ऐसा ना हो कि हम पूरी की पूरी मतलब एक किताब लिख दें ऐसा ना हो कम शब्दों में अधिक बातें कहने का प्रयास करें तो यहाँ पे यही लिखा है कि हमें हम टिप्पणी लिखते हैं तो हमें एक छोटा और सीधा लिख रखना चाहिए उसे मतलब यह है दोस्तों कि सामने वाला भी उसे पढ़े सही से ताकि अगर उसे मतलब देखिए दोस्तों अगर आप बहुत बड़ी बातें लिखेंगे मतलब एक पूरी की पूरी निबंध के रूप में लिखा जाएगा तो सामने वाले को पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसे एक पैराग्राफ के रूप में सरल शब्दों में लिखा जाए ताकि सामने वाला सभी सारी जानकारी को अच्छे से समझ सकें अगला जो अधिकारी होगा वो इसके अलावा दोस्तों हमें अपनी टिप्पणी में बेवजह की बातें नहीं करनी चाहिए ठीक है जो भी हमने सुझाव दिया जो भी बातें लिखी कही उसमें हमें बेवजह की बातें नहीं ऐड करनी चाहिए व्यक्तिगत आक्षेप ना करना मतलब ये दोस्तों कि हमें बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए ऐसा ना हो कि हम मतलब आप व्यक्तिगत अपने मतलब एक व्यक्तिगत कुछ बातें वहाँ पर लिखने का प्रयास करें हमें किसी के बारे में या तो मतलब गलत या बुरा नहीं लिखना चाहिए हमें निष्पक्ष रहते हुए जो भी अधिकारी है संबंधित तो उसे निष्पक्ष रहते हुए टिप्पणी लेखन करना चाहिए तो ये बातें हैं उपदेशक ना होना मतलब टिप्पणीकार को उपदेश का रूप ग्रहण नहीं करना चाहिए ठीक है वो उपदेश ना दे रहा हो वहाँ पर मतलब उस टिप्पणी में अब दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक ये भी है कि मुख्य टिप्पणी कैसे लिखे जाते हैं ठीक है ये भी एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि दोस्तों इसे पढ़ने के बाद आपको और जानकारी मिलेगी देखिए सहायक पहले सब कुछ पढ़ता है और समझता है और जरूर जरूरत पढ़ने पर वह और लोगों से राय लेता है बहुत सामान्य बातें हैं दोस्तों यहाँ पे मैं बस हल्क हल्का हल्का रीड करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जो सहायक व्यक्ति होता है जो पहले वो क्या करता है कि विषय को अच्छे से पढ़ता है समझता है जो उसे राय वगैरह लेनी होती है वो राय वगैरह भी लेता है ठीक है इसके अलावा सब कुछ समझने के बाद सहायक टिप्पणी लिखना शुरू करता है वह पहले पेज नंबर लिखता है टिप्पणी नंबर लिखता है फिर वह लिखता है कि यह कागज कहाँ से आया है मतलब ये जो मतलब पत्र है वो कहाँ से आया है इसका क्या मुद्दा है टिप्पणी कभी भी मूल पत्र पर नहीं लिखी जाती है बताई दिया था कि जो मूल पत्र होगा जो भी मतलब लेटर है उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा इसमें क्या होगा यह फाइल में लिखी जाती है मतलब अलग से पेजेस ऐड किए जाते हैं ये बातें आपको समझ में आई तो आई यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फिर क्या होता है फाइल वगैरह तैयार होती है फिर क्या होता है फिर वह लिखता है कि यह पत्र कहाँ से आया है और इसका मुद्दा क्या है वह यह भी लिखता है कि क्यों टिप्पणी लिखी जा रही है ठीक है आखिर क्यों टिप्पणी लिखी जा रही है क्यों ये सारी जानकारी दी जा रही है ये लिखता है वो कभी कभी वह टिप्पणी का शीर्षक भी दे देता है तो ये बातें हैं फिर वह पिछले पत्रों नियमों आदि का उल्लेख करता है यह ये सब टिप्पणी के मुख्य हिस्से में नहीं लिखे जाते बल्कि ये बगल में मैंने आपको बता दिया बगल में लिखे जाते हैं मतलब अलग से पेजेस ऐड कर लिए जाते हैं मुख्य हिस्से में तो विषय संबंधी समस्याएं और आंकड़े आंकड़े लिखे जाते हैं अंत में सहायक अपना नाम लिखता है इस तरह से मुख्य टिप्पणी लिखने का काम हो जाता है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सहायक ने क्या क्या बातें समझी मुख्य टिप्पण कैसे लिखे जाते हैं तो हमने ये बताया आपको क्योंकि सहायक मतलब नॉर्मली जो टिप्पणी लिखे है दोस्तों वो सहायक से ही शुरू होता है तो सहायक क्या करता है पहले टॉपिक को अच्छे से समझता है नम पेज, जो पेज नंबर है यानी कि पृष्ठ नंबर है टिप्पणी नंबर है वो लिखता है उसके बाद फिर वो राय वगैरह लेता है सारी चीज़ों चीज़ों को समझता है फिर वो टिप्पणी लिखता है तो ये हमने बात कर समझी यहाँ तक फिर क्या होता है फिर सहायक द्वारा लिखी गई टिप्पणी को अनुभाग अधिकारी पढ़ता है कि हाँ सहायक ने क्या क्या बातें लिखी हैं अब देखिए अनुभाग अधिकारी दोस्तों जीरो से शुरू नहीं करेगा कि हर एक जो भी पत्र में जो बातें लिखी हैं उसको एक एक मतलब अच्छे से समझे बहुत ज़्यादा या जो पत्र में हो सकता है मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए गए हों कई सारे व्यक्ति के द्वारा तो उनको मतलब एक एक करके रीड करें वो देखेगा मुख्य रूप से कि सहायक ने क्या बातें लिखी हैं ठीक है थेके? ऐसा होता है तो फिर अनुभाग अधिकारी पढ़ता है और आगे क्या करना है वह तय करता है अगर उसे लगता है कि ये टिप्पणी को शाखा अधिकारी या उप सचिव को दिखाना चाहिए तो वह उसे आगे भेज देता है अगर वह टिप्पणी में कुछ जोड़ना चाहता है तो वह जोड़ सकता है अगर वह टिप्पणी से संतुष्ट नहीं है तो वह एक नई टिप्पणी लिख सकता है यदि वह स्वयं अगर उसे लगता है कि नहीं जो सहायक ने जो बातें लिखी हैं उसमें मतलब कुछ सही नहीं लग रहा उसे तो वो एक नई टिप्पणी भी लिख सकता है यदि वह स्वयं उस विषय के निपटाने के लिए सक्षम अधिकारी है तो वह दाई और हस्ताक्षर करने के बाद उचित निर्देश देते देते फाइल कागजात लौटा देता है मतलब देखिए अगर उसे लगता है कि वो मतलब सक्षम है उस पत्र या उस मुद्दे को निपटाने के लिए तो फिर वो दाई और हस्ताक्षर करता है ठीक है और निर्देश देता है और फिर वो फाइल को लौटा देता है लेकिन फिर अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ाना है आगे देना है फाइल को तो फिर वो आगे शाखा अधिकारी वगैरह को देता है जब टिप्पणी और फाइल शाखा अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह निर्देश देता है और फिर अनुभाग अधिकारी के पास वापस भेज देता है अगर उसे लगता है कि उप सचिव या सचिव के निर्देश की जरूरत है तो वह टिप्पणी को आगे भेज सकता है तो ये चीज़ें हैं अगर शाखा अधिकारी को लगता है कि वापस भेज दे उसे तो वापस भेज देता है अदरवाइज वो सचिव वगैरह को भी टिप्पणी या फाइल भेज देता है जब उप सचिव संयुक्त सचिव या सचिव के पास नीचे से कोई टिप्पणी आती है तो वे आमतौर पर उस पर निर्देश देते हैं लेकिन अगर वे टिप्पणी से सहमत नहीं होते तो वे उसे वापस भेज देते हैं और अगर वे चाहते हैं तो वे टिप्पणी को आगे मंत्री के पास भेज सकते हैं मतलब यह है कि एक सहायक से शुरू हुई थी एक टिप्पणी एक टिप्पण कार्य सहायक व्यक्ति से शुरू हुआ था और फिर वो मंत्री तक पहुँचता है अगर लगता है कि नहीं मंत्री तक नहीं आना है तो फिर वापस लौटा दिया जाता है पहले ही लेकिन फिर भी अगर लगता है आगे के अधिकारियों को कि नहीं मंत्री के पास जाएगा तो मंत्री तक फिर वो टिप्पणी आती है मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सहायक सहायक है ठीक है सहायक से फिर अनुभाग अधिकारी फिर शाखा अधिकारी फिर सचिव और फिर मंत्री तो इस तरह आपने देखा एक ये एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी टिप्पण प्रक्रिया है ये अब मान लीजिए सहायक ने एक मतलब फाइल भेजी एक टिप्पणी के साथ एक फाइल भेजी भेजी अनुभाग अधिकारी को फिर अनुभाग अधिकारी ने शाखा अधिकारी को भेजा और शाखा अधिकारी ने फिर इसे वापस लौटा दिया ठीक है तब भी ये एक टिप्पण कार्य ही माना जाएगा ठीक है तो ये प्रक्रिया है टिप्पण एक प्रक्रिया है आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी इसमें क्या होता है टिप्पण कार्य में अलग अलग जो अधिकारी हैं दोस्तों वो क्या करते हैं अलग अलग अधिकारी अपने अपने सुझाव वगैरह भी लिखते हैं हालांकि जो सुझाव होते हैं उन्हें हम टिप्पणी कहते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक टॉपिक ये भी पढ़ना था आपके सिलेबस में है मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक हमारी तरफ से छोड़ा जाए ठीक है सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए ताकि स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन में ना रहें वो आपके ऊपर है कि आप किस टॉपिक को कितना अच्छे से तैयार करते हो कितने अच्छे से पढ़ते हो ठीक है स्वतपूर्ण टिप्पण ये क्या है दोस्तों तो यहाँ पर डी ओ की रीडिंग से मैं ही डायरेक्टली डायरेक्टली इसे पढ़ा रहा हूँ चाहे आप रेगुलर के हैं चाहे ओपन के हैं तो कोई मैटर नहीं करता सबके लिए यूजफुल है क्योंकि आपका सिलेबस सेम है अब देखिए स्वतः पूर्ण टिप्पणी क्या होता है देखिए देखिए दोस्तों इसे हल्का सा मैं समझा देता हूँ स्वतःपूर्ण टिप्पण में दोस्तों ये होता है कि नॉर्मली इसे नॉर्मली कदाचित ही मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है लगभग नहीं के बराबर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो स्वतः पूर्ण टिप्पण एक तरह से ऐसे टिप्पण होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो भी समस्या है दोस्तों जो भी मुद्दा है उसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है ठीक है स्वतः पूर्ण टिप्पण में किसी भी चीज़ को जो भी मुद्दा वगैरह है विषय है तो उसको बहुत ज़्यादा विस्तार तरीके से अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है इसमें आप समझ सकते हैं अब मैं पूरा रीड नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा देखिए यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे एक जाति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है ठीक है एक प्रश्न पूछा गया है जाति से संबंधित अब जो प्रश्न है दोस्तों उसका उत्तर देने के लिए एक उत्तर देने के लिए जो मतलब पहले के जैसे कि यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों जो प्रश्न है दोस्तों वो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो मतलब विधानसभा है महाराष्ट्र की जो विधानसभा है दोस्तों तो उसके उन्नीस के लिए है यहाँ पर ये ठीक है उन्नीस के लिए ये प्रश्न था ठीक है अब इसमें इसका उत्तर देने के लिए दोस्तों 1955, 1957 या उन्नीस सौ वगैरह के आगे या उन्नीस से संबंधित कई सारे जो दूसरे नियम थे जाति से ही संबंधित उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया तो मतलब सभी जानकारी को यहाँ पर ऐड किया गया तो आई होप यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा बाकी मैंने आपको टिप्पण पूरी तरह समझा दिया अगर मैं टिप्पण का उदाहरण दूँ दोस्तों तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू एस की रीडिंग में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिख रहा है आपको अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि ये कैसा उदाहरण है बस आप थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है अवर सचिव फिर यहाँ पे लिखा है नाम वगैरह लिखा है डेट लिखी गई है ठीक है तो यहाँ पे ये थोड़ी बातें हैं जैसे कि मुख्यमंत्री है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने फिर यहाँ पे ये यह सारी बातें लिखी लिखी हैं तो ये थोड़ा आप इसे भी थोड़ा टिप्पण के रूप में समझ सकते हैं बाकी हाँ टिप्पण मैंने आपको जैसे जितनी भी बातें बताई वो सारी बातें आपने समझ ली होंगी ये बस आप हल्का सा एक आइडिया ले लीजिए हालाँकि मैंने आपको बताया ना कि कई सारी पेजेस वगैरह ऐड किए जाते हैं तो कई सारी बातें लिखी जा सकती हैं अब कम लिखी जाएँ ज़्यादा लिखी जाएँ वो मुद्दे के ऊपर मैटर करता है तो दोस्तों यहाँ तक हमने चैप्टर से संबंधित सभी बातों को समझ लिया है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें थैंक यू